अब क्या हुआ द्वारिका, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? कोई खास बात नहीं है। शिवम को पता चल गया है कि हमने सुमन को उस पर नजर रखने के लिए कहा था। वो बहुत डिप्रेस्ड हो गया था और इमोशनल भी। ये तो ठीक नहीं हुआ द्वारिका, वो भी हमारे खिलाफ हो जाएगा। और तुम कह रहे हो कि ये कोई खास बात नहीं है? रिलैक्स, मैंने सिचुएशन को ठीक तरह से हैंडल कर लिया है। मैंने शिवम को ये यकीन दिला दिया है कि उसेजा उस पर नजर रखना चाहता था, हम नहीं। ओम और सुनीता की वजह से वो भी उस पर शक करने लगा था। अब चाहे वो उसेजा से पूछे या कुछ भी करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी शिवम को हम पर शक नहीं होगा, ये कैसे कह सकते हो तुम? मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, इसीलिए मैंने एक डिसीजन लिया है और वही बताने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। कौन सा डिसीजन? मैंने फैसला किया है कि मेघा की शादी मैं शिवम से करा दूंगा। क्या? जरा सोचो, इससे शिवम ही नहीं बल्कि पूरा कपूर परिवार हमारा रिश्तेदार हो जाएगा। और फिर ओम आखिर शिवम का भाई है। मेरी एक पॉलिसी है, अगर दुश्मन है तो या तो उसे खत्म कर दो, नहीं तो उसे अपना दोस्त बना लो या रिश्तेदार। लेकिन शिवम राजी हो जाएगा? शिवम मेरी बात नहीं डालेगा, मुझे फिक्र है तो सिर्फ मेघा की। पता नहीं वो मेरी बात मानेगी या नहीं।